23 मई को परिणाम आएंगे और एग्जिट पोल 19 को आएगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, मैं कई बार इस बात को बोल चुका हूँ कि दक्षिण भारत में तो बीजेपी का खाता शून्य पर रहेगा और जहाँ उन्होंने पिछली बार बहुत अधिक बढ़त हासिल करी थी वहाँ पर भारी नुकसान बीजेपी को होगा और अन्य राज्यों में अपनी जगह बना पाए, क्योंकि बंगाल में पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी भी हालत से पोलराइजेशन हो। और आपको मैं आग्रह करूँगा, कृपया करके कैलाश विजयवर्गीय जी के फेसबुक ट्विटर हैंडल को आप देख लीजिए, जिस प्रकार के वीडियोज़ उन्होंने डाले हैं, जो रोड शो के नाम पर जो एक कारवां निकला था वो राजनीतिक था या ध्रुवीकरण की राजनीति की परिकाष्ठा थी, क्योंकि मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बारे में बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं कुछ मान मर्यादाओं का सम्मान करता हूँ। इसलिए आप सबसे निवेदन करूँगा, आप देखिए कि किस प्रकार की राजनीति और किस प्रकार से उन्होंने वहाँ किन लोगों को बुलाया, कौन वो लोग थे, ये सब सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है कि ये सारा निर्वाचन आयोग की नज़र से बच कैसे गया। ये सारे सवाल उठे हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर, लेकिन मुझे विश्वास सबसे ज़्यादा है देश के प्रजातंत्र में और हमारे मतदाताओं के ऊपर, और जो भी निर्णय पब्लिक करेगी वो सबको स्वीकार्य होगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि 23 मई को जो परिणाम आएंगे उसमें कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की सरकार दिल्ली में बनना तय है, और ये कांग्रेस पार्टी पहले भी स्पष्ट कर चुकी है, राहुल जी ने कई मर्तबा कहा है और कल दोबारा हम लोगों ने कहा है कि 23 मई को जो परिणाम आएंगे उसके बाद नॉन बीजेपी नॉन एनडीए गवर्नमेंट कैसे बनानी है उसमें कांग्रेस पार्टी पूरी तरह सक्रिय रहेगी और जो इस देश की हमसे उम्मीदें हैं उसी प्रकार अपना हम स्टैंड लेंगे। कांग्रेस यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी ने मीटिंग बुलाई है जो नॉन एनडीए नॉन यूपीए के दल हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे और पद पोस्ट सत्ता को लेकर किसी भी दल के मन में लालच नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे गणतंत्र को हमारे लोकतंत्र को सुरक्षित रखा जा सके, इसलिए गैर बीजेपी की सरकार का निर्माण करना सभी दलों की प्राथमिकता है। उसमें जो भी भूमिका कांग्रेस को निभानी है वो हम पूरी तत्परता से और पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। आप में से किसी के सवाल हो इस संदर्भ में? दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द नंबर्स। Ultimately, I keep saying the Congress remains the only political party that can challenge and defeat the BJP at a national level. Of course, every regional party has a role to play. I have great regard for the regional parties and the leadership, but at a pan-India level, to be able to counter and challenge and defeat the BJP, Congress remains the pivot. I think there are give and takes in every coalition. Congress party ka achha gathbandhan hua Karnataka mein, Maharashtra mein, Bihar mein, Jharkhand mein. और जहाँ पे गठबंधन नहीं भी है वहाँ भी गैर भाजपा का जो समझौता हुआ है दलों का उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एम ये है कि हम एक गैर एनडीए सरकार कायम करें। क्या इवॉल्व होकर आएगा ये सब आंकड़ों पर निर्भर करेगा, लेकिन ये सभी जानते हैं कि जो प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की ताकत के बिना भाजपा को हराना संभव नहीं है। ये हमारे जो विपक्ष के बाकी दल हैं इस बात को जानते हैं और सभी दलों से कांग्रेस पार्टी ने पहले भी चर्चा की है। कुछ दलों के साथ हमारा इलेक्टोरल अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ है वो बात भी सब जानते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव सब लोगों का एक ही है कि कैसे गैर भाजपा की सरकार हम लोग वहाँ दिल्ली में बना सकें।